होनी चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन कुछ मेडिकल्स को। तो देखिए, फर्स्ट मेडिकल है क्या, देखो एक तो ओम फ्लो से रिलेटेड मेडिकल्स जो आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे कि आपको जैसे कि ओम फ्लो क्या होता है, जी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो ओम फ्लो से रिलेटेड जो मेडिकल्स आएंगे उसमें यहाँ का वो बी गिवन रहेगा, आई गिवन रहेगा, रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल देंगे, मतलब कोई भी दो क्वांटिटी गिवन रहेगी और कोई थर्ड क्वांटिटी यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। तो उसमें तो आप सीधा बी इक्वल्स टू आई आर जो कुछ भी निकालना है उसकी वैल्यूज पुट करके कर देंगे, ठीक है। फिर एक रेजिस्टिविटी से रिलेटेड आता है, तो ओम फ्लो से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स वो हो जाएंगे इजीली, आप करके देखना, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे नहीं लिए हैं क्योंकि इतने सीधा जो है फॉर्मूला लगाना है। फिर एक रेजिस्टिविटी से रिलेटेड आता है कि आपको क्या गिवन रहेगा, जैसे कि लेंथ है, एरिया है, ठीक है। वो गिवन है जैसे मान लो एल लेंथ है किसी मटीरियल का, ए एरिया है, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ये एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है, एग्जांपल है, ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, अगर मटीरियल की जो लेंथ है वो हाफ हो जाए, ठीक है, और उसका एरिया डबल हो जाए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये कैसे बताएंगे हम। देखिए रो क्या होता है, आर क्या होता है, रो एल बाई ए, ठीक है, ये होता है। अब यहां से फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से क्या हो जाएगा, जब लेंथ एल है, एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम, मतलब जब कंडीशन ये है एल लेंथ है, ए एरिया है, तो रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, मतलब 4 ओम हो जाएगा इसके इक्वल, इसके इक्वल, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन में क्या गिवन है कि जो लेंथ है वो हाफ हो गई है, एरिया क्या हो गया डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो देखो रेजिस्टेंस नहीं पता हमें क्या होगा, ठीक है, इसको आर लेट कर रखा है, लेंथ कितनी हो गई हाफ हो गई, एरिया कितना हो गया डबल, ठीक है, मतलब एरिया हो गया 2a, तो ये क्या हो जाएगा आर एल बाई 2 × 2 = 4 ए, है ना, 1/4। तो देखो ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, रो एल बाई ए किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन से 4 ओम के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 ओम लिख सकते हैं ना, 1/4 और ये है 4 ओम, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं दूसरे रेजिस्टेंस, ऐसे भी अगर मान लो ये गिवन है, इसकी जगह देते हैं कि लेंथ डबल हो गई, एरिया हाफ हो गया, ठीक है, मान लो लेंथ क्या होगी डबल, एरिया कितना हो गया हाफ, तो इसको कैसे करोगे,
करेंगे, मान लो I1 करंट तो इसमें चला गया 5 ओम रेजिस्टेंस में, I2 इधर चला गया, I3 इस वाली ब्रांच में चला गया, मतलब जो करंट है वो सेम नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों जो करंट है ये फ्लो करेंगे एक रजिस्टर से अलग अलग से सेपरेटली, और फिर ये तीनों के तीनों क्या होंगे इस जंक्शन पे दोबारा से मीट करेंगे, और यहाँ पे मिलने के बाद जब ये आगे मूव करेंगे तो ये फिर से आई बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आई ही क्या था, आई से ही तीनों बन रहे थे अलग अलग, आई वन आई टू आई थ्री, अभी तीनों फिर से मिल जाएंगे तो दोबारा से आई बना देंगे, तो जब ये आगे फर्दर मूव करेगा ये करंट तो वो आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ जब ये डिवाइड होगा उस केस में जो करंट की वैल्यू है वो अलग रहेगी, लेकिन जब जंक्शन के बाद वो फर्दर प्रोसीड करेगा तो उस केस में आई जो है वो टोटल करंट होगा हमारा, ठीक है। तो देखो इसमें निकालना क्या है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है वो निकालना है, तो ये जो आई है ये तो हमारा टोटल करंट है, ठीक है। अब हर एक रजिस्टर से अलग अलग करंट जाएगा, मैंने अभी बताया था, तो हर एक रजिस्टर का हमने करंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मान लो आर1 से निकालना है कि आर1 से कितना करंट फ्लो होगा, तो ओम्स लॉ लगा देंगे इसमें, V = IR, और आर क्या हो जाएगा, V / I, V / अब I जो है I1 लेंगे, ठीक है। तो यहां से करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सॉरी I निकालना है ना, तो I क्या हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा R1 के केस में जो R1 ले रहे हैं, तो I1 क्या हो जाएगा V / R1, तो यहां से करंट हो जाएगा V जो है ये कितनी है वोल्टेज 12 वोल्ट है, R2 कितना है 5, ठीक है। तो यहां से ये करंट आ जाएगा, ठीक है, इनके जो कैलकुलेशन है वो आप खुद से कर लेना। फिर देखो जब R2 के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है उस केस में कितना करंट जा रहा है, तो वोल्टेज तो सेम है, R2 ले लेंगे, ठीक है। R3 इनकी वैल्यूज पुट कर देना, V जो गिवन है वही है 12 है, R2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी 10 पुट कर देना, ठीक है, उससे I2 आ जाएगा। ऐसे ही I3 कैसे आएगा, भी I3 आ जाएगा V / R3 कर देंगे, ठीक है, R3 की वैल्यू पुट कर देंगे, V हमारे पास है ही, R3 कितना है 30 है। तो यहां से फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा हो गया कि करंट अलग अलग रजिस्टर से कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट पार्ट की। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, टोटल करंट इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, जो तीनों करंट आए हैं I1 I2 I3, वही तो हमारा टोटल करंट होगा ना, कि I जो है ये टोटल करंट कितना है, I1 I2 I3 तीनों मिलकर तो I बनाएंगे, तो I क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 plus I2 plus I3, इनकी जो भी आपके पास वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे पुट करके इनको ऐड कर देना, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में है टोटल रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है तीनों अलग अलग ब्रांचेस में, अब टोटल अगर हमें निकालना है तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल में वैसे तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं चीजों को, ठीक है, लेकिन वो कब करते हैं, जब अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, अब यहाँ पे ये हमें पता है पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट है, तो इसलिए क्या करेंगे, इन तीनों को इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे और उनसे क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल
सी
हमें आती है जो चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, जो भी क्वांटिटी है कि मान लो ये कोई क्वांटिटी है हमारे पास 1.20, ठीक है, तो ये तो मतलब भाई r की वैल्यू आई है, हमें r की चाहिए, तो r क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 20, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है यहां पे, इसको आप टोटल मत कर देना, इसका रेसिप्रोकल जरूर करना है पहले भी जो बात करेंगे। अब देखो एक दो क्वेश्चन हीट से रिलेटेड कर लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट से, उसमें क्या उसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई होना है जो जूल्स ऑफ हीटिंग है उसका, कैसे देखें, हाँ तो देखो ये हीट से रिलेटेड हम करते हैं न्यूमेरिकल, कि हीटिंग इफेक्ट से अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास है तो हम आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, मतलब क्या है हीट की वैल्यू है हमारे पास h1 है 100 जूल, ठीक है, ईच सेकंड टाइम गिवन है, ईच सेकंड का मतलब है 1 सेकंड, इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस r की वैल्यू है कितनी 4 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, V क्या होता है I into R, R को हमारे पास गिवन है, ठीक है, R हमारे पास 4 ओम है लेकिन I हमारे पास गिवन नहीं है, तो I को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो हीटिंग इफेक्ट से जो H की वैल्यू है वो क्या होती है, H is equals to I square R into T, ठीक है, यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I square h by rd, ठीक है, rd यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा आगे इधर, अब स्क्वायर को जब रिमूव करेंगे तो h को ऑलरेडी नो, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा h by rd, ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास पता है जो भी है, यहाँ पे हम इनको पुट करेंगे वैल्यूज को और I की वैल्यू जो करंट है वो हमारे पास आ जाएगा, देखिए I is equals to root of h की वैल्यू कितनी है 100 जूल है, r क्या है हमारे पास 4 ओम है, t की वैल्यू 1 है, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट करते हैं तो ये आ जाएगा 5 एम्पीयर, ठीक है, ये करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट की वैल्यू पता चल गई, r पता है तो यहां से भी हम इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं 5 × 4, ठीक है, 20 वोल्ट, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब देखो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे इस तरीके आपको पहले ये चेक करना है कि क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है, तो देखना है लिख लेना है आपको, तो जो भी कैलकुलेट करना है, जैसे इस केस में हमने क्या करना था, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, अब वी कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि आई की रिक्वायरमेंट है और आर की रिक्वायरमेंट है, हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस गिवन था, आई हमारे पास नहीं था, तो अब आई को आपको फिर कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा दिया आई के लिए, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट का ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, वो फिर आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके हम बोथ की क्वांटिटी को मेजर